जिस तरह उत्तर प्रदेश में चार बार की सरकार में स्थापित करके दिखा दिया, कोई माई का लाल अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ उनको काम का कोई बराबरी करके दिखाएं, उनका नाम चिन्ह को कार्य उनका तुपने तुपाने का काम करते हैं, बताइए ना किसने कम काम किया है। योगी जी क्या किए हैं? आनंद मोहन बोलते हैं, कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता। ये वो डरा हुआ है, कौन वही आनंद मोहन, और नहीं जानता उनके चाचा के टांग कर लाठी लाठी पिटा रहे थे, उनको नहीं पता है, भारत में पूरे विदेश जानता है, ये नहीं जानता है। राजा भैया राजा को नहीं जानते, कुंडा में उनका कुंडी बनता है। तो ये लोगों को दिखावे में बोल रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं, कौन मायावती हैं, कौन आनंद मोहन है। अबे ना हम लोग का चूड़िया पहने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार में संगठन चलाता है दलितों को खत्म करने के लिए, दलित को संगठन रणवीर सेना, बजरंग दल, कई सरस्वती सेना, कई सेना ये लोग दलितों को खत्म करने के लिए पैदा किए, लेकिन हुआ जितने तेजी से ये कर रहे हैं उतने तेजी से हम संवरने का काम कर रहे हैं। तुम जितना मिटाने का काम करते हो उतने हम तेज आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो आनंद मोहन बहुत बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े लोग हैं, और बक्सर की धरती है ये, ताड़िका की धरती है, छल छलावे से लोग मारा गया है, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा मार कर उसके आकार को बदल देते हैं, हथियार हम लोग नहीं चलाना जानते, उठाना नहीं जानते, हम लोग वही जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कहें कि हमसे बड़ा दलित के नेता कौन है। चुनाव आए को तो दिखाएंगे, अरे तुमको तो दिखाना तो जरूरी है ही, हम भी चाहते क्या हमें और दिखाएं कि तुम कैसे दलित की तैसी हो। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार ने कानून बदलकर कर दी। आपको बता दें कि पूर्व आई गोपालगंज के तत्कालीन आईएएस जी कृष्णैया की हत्या में जेल में बंद सजायाफ्ता आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को रिहा कर दिया। इस पर जो दलित एक्टिविस्ट हैं काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई इसके विरुद्ध, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन भी दिया है। हम बातचीत करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जुड़े हैं भाई उनको हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। ये बहुजन समाज के लोग पर कालिख है और धब्बा है जो नीतीश बाबू ने किए हैं ये, और जो दलित का चेहरा दिखाते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, और वर्तमान में गठबंधन है, इन लोगों का चेहरा सामने आ गया है दलितों का प्रति, और ये बकसने वाले नहीं हैं, और हम लोग भी चुपचाप बैठने वाले में से भी नहीं हैं। आप जानते हैं महार जब 11-25 हज़ार सैनिकों को जब ध्वस्त कर सकता है, इनको मिटाने में कोई देर नहीं है। हम लोग कानून के मानने वाले हैं, महापुरुषों के विचार को मानने वाले हैं, उस पर धरातल पर चाहते हैं, नहीं तो आनंद मोहन बहुत बड़ा नहीं है, इससे भी बड़े बड़े लोग हैं, और बक्सर की धरती है ये, ताड़िका की धरती है, छल छलावे से लोग मारा गया है, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। मारना मरना जब जानते हैं कि लाठ विकल्प है, तो हमारे समाज में हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं कि लड़कर मर जाए पीठ दिखाने वाले में से नहीं है, और ये जब जब इन लोगों को मौका मिलेगा पीठ पर वार करते हैं। सरकार वही काम किया है नीतीश बाबू, ये आज से नहीं शुरू से ही पलटू चाचा जी वही है ना, ये दलित विरोधी हैं, और ये दलित विरोधी में आनंद मोहन के इसलिए बाहर लेकर आए हैं कि अब इलेक्शन में इनको प्रधानमंत्री के नशा चढ़ा हुआ है। जो व्यक्ति जूते और चप्पल मार खाते हैं और भला प्रधानमंत्री बनकर किसका न्याय करेंगे ये? बिहार के मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जिसका हूँ उसका, लेकिन अब बिहार में बसे हैं तो मुख्यमंत्री कहना ही पड़ेगा, लेकिन दिल से मूर्ख हम कहते हैं उनको, काहे मूर्ख वाली काम करते हैं ये बताइए ना, एक आध को काम बता दीजिए जिसको हम मान लें कि धरातल पर है, बेटी सुरक्षित नहीं है, शिक्षा हमारा सुरक्षित नहीं है, रोजगार हमारा सुरक्षित नहीं है, और क्या है, और इससे ज़्यादा हमको चाहिए क्या है? 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, 10 लाख नौकरी किसको नौकरी दी है मोदी? देखिए ये भी जुमलेबाज हैं, जिस तरह मोदी जी जुमलेबाज हैं वो भी बहुत कुछ कहे थे, और उसी में से ये हैं आज भी जो चल रहा है ना, आज इस तरह रिहाई किए हैं ये बिगली बानों का घटना याद पर आ रहे हैं, ये साबित स्थापित किए हैं बिहार में कि जिसके रेप हुआ उसके परिवार का हत्या हुआ, और वहीं गुजरात में मोदी सरकार जो बीजेपी वाले लोग उनको जेल से रिहा कराकर माला से सम्मानित करते हैं, आईएएस आईपीएस लोग हैं, मंत्री लोग हैं, तो वही तो ये टू यहाँ किए हैं,
कि कांग्रेस जो है बीजेपी जो सरकार वहाँ बैठी है वो कुछ नहीं बोल पाएगी, मौका देकर अपना दाव खेले हैं कि इसलिए कि अब तो गठबंधन में इनका डर था कि गठबंधन है और गठबंधन में इनका डर था कि अगर ये काम तो पहले से लगे हुए थे। इनके भाषा सुन लीजिए, ये उनकी पत्नी से पहले उनकी पत्नी जब ऑब्जेक्शन लगाई थी कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो खुद ही कहे थे कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या स्थापित करना चाहता हूँ आप, या हमारे पूरी भारत ने इनका नीतीश बाबू के वीडियो सुने हैं कि उनका पत्नी का नाम है लवली आनंद। लवली आनंद जब इनका इन पर विरोध किए हैं नीतीश बाबू पर, उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, आपके पीछे लगे हैं, हम लगे हुए हैं, आप तो सब जानते हैं, लगे हैं आप सब जानते हैं। तो बताइए इससे क्या साबित हो रहा है कि इसलिए अभी चुप थे, ओपनिंग नहीं किए थे, जब वहां से ये जब बरी करा दिए तो ये अपना पर्दा के पास सामने आ गए कि बीजेपी है गठबंधन विरोधी पार्टी है। दलित ही तैसी होने की बार बार बात करते हैं नीतीश कुमार। ये भैया हम कह रहे हैं कि कैसे अब मान लें, हम गांव गांव भीम चौपाल लगा रहे हैं, भीम चौपाल, ये भीम चौपाल नहीं लगा रहे हैं, वो कौन भीम चौपाल लगा रहे हैं, वो भीम भारत वाले भीम के चौपाल लगा रहे हैं, ये जो स्वयंवर में भारत, हाँ जो स्वयंवर में चिरहरण होता है वो भीम साहब को अपमान करने के लिए। अच्छा ये बताइए भीम चौपाल लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग इनके पास है, हर विभाग इनसे है, कभी पठन पठन में कभी भीम का नाम आता है, आता है कहीं कहीं अपना से कहीं स्टैचू लगाए हैं, कहीं ये कोई चीज़ दिखा दे। गठबंधन की सरकार के कर रहे हैं, तेजस्वी भी कहते हैं कि हम दलितों का नेता है, समाजवादी सरकार, समाजवादी नहीं, सोशल जस्टिस की, ये कि वो सोशल नहीं है, ये व्यक्तिगत जस्टिस है, ये वन पर्सनल जस्टिस है, ये सामाजिक नहीं है। आनंद मोहन बोलते हैं कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता, ये वो डरा हुआ है, कौन वही आनंद मोहन, और नहीं जानता उनके चाचा के टांग कर लाठी लाठी पिटा रहे थे, उनको नहीं पता है, भारत में पूरे विदेश जानता है, ये नहीं जानता है राजा भैया, राजा को नहीं जानते, कुंडा में उनका कुंडी बनता है। तो ये लोगों को दिखावे में बोल रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं कौन मायावती हैं, अच्छा ये नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं, चलना फलना मुश्किल हो गया था, और ये नहीं जानते हैं, वो जानते हैं इसलिए वो डर के मारे अपने बहुभाई उनको दिखाने में बोल रहे हैं, किसको जिसके साथ सटे हुए हैं, ये खास करके उनको आने से हम लोग आताहत नहीं हैं, आताहत इस बात से हैं कि जो महापुरुष ने इतने तप कर देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी संविधान दिए उसका हत्या हुआ है, नहीं तो उनसे नहीं, वो कौन आनंद मोहन है, आवे ना हम लोग का चुड़िया पहने हुए हैं, आईएस का हत्यार आनंद भाई हम समझ रहे हैं आपके बात, जिस तरह वो कह रहा है कौन मायावती है, तो ये कौन है, ये दो चक्के का लुचा लफंगा है, हाँ परमेश्वर मुखिया से बड़ा था, परमेश्वर मुखिया काल हुआ, आप देख रहे हैं कि बिहार में संगठन चला था दलितों को खत्म करने के लिए, दलित को संगठन रणवीर सेना, बजरंग दल, कई सरस्वती सेना, कई सेना ये लोग दलित को खत्म करने के लिए पैदा किए, लेकिन हुआ जितने तेजी से ये कर रहे हैं उतने तेजी से हम संवरने का काम कर रहे हैं, तुम जितना मिटाने का काम करते हो उतने हम तेज आगे बढ़ने का काम करते हैं, और चलते रहेंगे, जवाब है तो जवाब हमसे लेना, जिस तरह का जवाब लेंगे उस तरह का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग मिशन के हैं और महापुरुष की बात को मानते हैं, पार्टी की मानते हैं, और पार्टी में हमारी बहन मायावती जी हमारे आशीष नेता हैं, उनकी आदर्श को विचारधारा पर रखकर नहीं बोलना कहना चाहते हैं, नहीं तो उनसे कम है क्या, किस तरह से कम है, जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा मार कर उसके आकार को बदल देते हैं, हथियार हम लोग नहीं चलाना जानते, उठाना नहीं जानते, हम लोग वही जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, संत महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाले, हम जलते रह जाएंगे, मदद भी नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे, घुटना नहीं टेकेंगे उनके, अगर जिस दिन वो औकात में उतर जाए दलित को और यहाँ विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, आज से कितने संगठन बनी, क्या किया, कबर लिया कुछ, ये लोग तो यहीं बसपा से डर रहे हैं, मायावती से डर रहे हैं, कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में चार बार की सरकार में स्थापित करके दिखा दिया, कोई माई का लाल अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ उनके काम का कोई बराबरी करके दिखाएं, उनका नाम चिन्ह को कार्य उनका तुपने तुपाने का काम करते हैं, बताइए ना किसने कम काम किया है, योगी जी क्या किए हैं, बहन जी के सरकार में कभी दंगा को हुआ, यही देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मामला था,
वही जग हो रहा था। बहन जी ने कहा कि 3 किलोमीटर के दायरे में किसी जग वाले को दिखाई नहीं देना चाहिए। कितने जग हुआ उस पहले भी हुआ, ये तो कई जग करा है, कितना दंगा हुआ, कितने बेटी का अपहरण हुआ, कितने मर्डर हुआ, बहन जी के शासन हुआ था, कभी नहीं हुआ। और यही महापुरुष का देन था, और वही महापुरुष के धरती पर धरातल पर लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी से यही लोग डर रहे हैं कि जो छलावा करके अभी बरकेश्वर बाबा आया है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये अभी उसके को कल देख रहे थे कि जो हमारा विरोध करता है उसके घर में 15-20 भेज देते हैं और बैठा कर जब मारने लगते हैं तो उसको मौका नहीं मिलता वीडियो करने का कि वो हमारा केस करेगा। किसका भी मत है बताइए, इस तरह का आतंकवादी कहता है आके बिहार में चुनौती दे रहा है, और बताइए इस पर बिहार नहीं होता है, ये सरकार पर लालत है। और ये तेजस्वी यादव जो है गठबंधन की लालू जी का संघर्ष को बेच दिए, हाँ। भाड़ा पर रख दिए, काहे ला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का कि ये चले जाए हम दिल्ली, हम यहाँ बैठ कर राज करेंगे। हाँ। अरे लालू जी इतने सेना मेहनत करके जब रथ अडवाणी जी को रोक दिए थे, अरसे सवाल समझते रह गए। आज इनका भाई तेजस्वी जी का हाँक रहा था कि डंटा से पिटाई करेंगे, तेज प्रताप विरोध किया था तो कहानी लालू जी ने रोक देता, लालू जी का नस्ल होता तो रोक नहीं देता, उसके पूरी भारत पूरी बिहार उसके साथ था, सब देखता था कि कहीं थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाए, अकेले थे थोड़ी नहीं थे, लेकिन समझौता कर दे इसलिए कि वो आरएसएस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। कौन? ये तेजस्वी और हमारे अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के साथ हैं, अंदर से बीजेपी माइंड उनका वास किया हुआ है और उसके इशारे पर चल रहे हैं, नहीं तो इस तरह नहीं होता, इस तरह का बिहार नहीं था। लालू जी थे, उनके रीजन में 2-6 नहर संघार हुआ, इनकी घटना तो वही याद पर आ रही है जो किए हैं, जो रिहा करके बाथे का नरसंहार हुआ था ना, जहानाबाद नरसंहार हुआ था ना, पिपरा नरसंहार हुआ था ना, इसमें क्या हुआ? जब वो केस उठाने के लिए चला, एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट था आमिर दास आयोग, इसको किसने रोका? तो ये बताइए कि कैसे दलित के हितैषी हैं ये बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने का काम करते हैं। क्या कहिएगा आनंद मोहन को? आनंद मोहन को ये कहेंगे कि सुधर जाइए और औकात में रहिए, नहीं तो किसी दिन ये माथा ये दलित का सनक गया तो कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बस एक वक्त की रोटी और सामान की ज़िंदगी जीना है, क्योंकि हम लोग स्थापित कर रहे हैं, आपके पास जो बच्चा खुचा है उसको इस्तेमाल करिए, अपने परिवार को रखिए, नहीं तो हम लोग 4 बच्चा पैदा करने वाले, वो लोग एक बच्चा करता है, हमारा 2 मर भी जाएगा तो हम संतुष्ट कर लेंगे, तुम्हारे 2 अगर मर जाए तो तुम संतान हो जाएगी, इसलिए दायरे में रह के और हिसाब से काम करिए और हिसाब से बोलिए। और एक बात बोले हैं कि कहें कि हमसे बड़ा दलित के नेता कौन है, चुनाव आए को तो दिखाएंगे, अरे तुमको तो दिखाना तो जरूरी है ही, हम भी चाहते हैं कि आवे और दिखाएं कि तुम कैसे दलित की तैसी हो। एक आईएएस का जब सुरक्षा नहीं दे पाते हैं बिहार सरकार, उसकी परिवार को सुरक्षा नहीं दे रहा है, अगर उसकी बस की अगर दलित इतना टाइट नहीं होते तो उसकी बेटी को उनकी पत्नी को दबाने का बहुत प्रयास किया है लोग, अगर बेवत है तो समझाना थे कैसे उठवा लेते, देखो इनका औकात आनंद मोहन का कितना क्रिमिनल है, लेकिन ये बहुत प्रयास किए हैं कि अब आएगा तो दलित दिखाएंगे, तो हम भी जा रहे हैं कि दिखा दो, हम भी जब खड़े हैं कि देख लो, अब नहीं हो तो कभी मौका मिले तो हम भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, साथ में 10 जिला हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आए और देखते हैं कि किस तरह का दलित को हितैषी करके अपना दिखाते हैं। ये बात हो रही थी, बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, प्रदेश महासचिव थे, इनका कहना है कि आनंद मोहन को सुधर जाए, आनंद मोहन अपने जो दायरे में रहें, जिस तरह से आनंद मोहन ने बोला है कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को नहीं जानता, इनका कहना है कि आने वाले जो 24 का लोकसभा चुनाव है उसमें हम दिखा देंगे कि कौन मायावती, आनंद मोहन को पहचान दिला देंगे कि आखिर मायावती जी कौन है। बाकी आपने इनकी बातों को पूर्ण रूप से सुना कि किस तरह से इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर कहा, इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।